So in previous class, we have defined what is electric current, what is electric charge, what are their SI units, and the basic scenario, basic formulas, and we have done with some numericals, for example, and what are the relation of Q with number of electrons. So we got to two, three formulas, basically two formulas. First, I is equals to Q by T. Rate of flow of charge with respect to time, and since Q is number of electrons, so Ne upon T, where E is charge on one electron, 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. ठीक है, अच्छा, अब इसको थोड़ा सा हम आज दो तीन चीजें और देख लेते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे, वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. उससे पहले ये देखते हैं कि which thing is responsible for the flow of current, और flow of current होता कैसे है, किस तरीके से और किस direction के अंदर होगा. तो ये छोटी छोटी चीजें देखते हैं, हालांकि ये मैंने previous class में समझाई थी, फिर भी. तो सबसे पहली चीज, जो भी conductor होंगे उन conductors के अंदर free electrons are responsible for the flow of electric current. और अगर कोई solution होगा तो उसके अंदर जो आयंस प्रेजेंट होंगे, आयनिक सॉल्यूशन जिसको हम बोल सकते हैं, तो इफ सॉल्यूशंस इन सॉल्यूशन इफ आयंस आर प्रेजेंट, देन द दोस आयंस विल बी मूविंग हियर एंड देयर, विल बी कॉन्स्टिट्यूटिंग एयर और प्रोड्यूसिंग द इलेक्ट्रिक करंट. तो सॉल्यूशन के अंदर समझ में आ गया बात कि आयंस हो सकते हैं, आयंस पॉजिटिव भी हो सकते हैं, जैसे Al प्लस थ्री हो जाए, जिंक प्लस टू हो जाए, Mg प्लस टू हो जाए, या Cl माइनस हो जाए, एन माइनस, कुछ भी, जो भी आयंस प्रेजेंट होंगे वो किसी न किसी फ्लो में किसी न किसी तरीके से करेंगे. अभी हम उस पर नहीं जा रहे, अभी हम समझते हैं कि कंडक्टर्स, सॉलिड कंडक्टर्स के अंदर या जैसे मेटलिक वायर्स होते हैं उनके अंदर इलेक्ट्रिक करंट कैसे फ्लो होती है और किस तरीके से इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन होगी. तो सबसे पहले ये मान लीजिए मैंने कॉपर वायर ले लिया, या एक आयरन वायर भी मान सकते हैं, इसको मैंने एक फर्स्ट एंड को बोल दिया ए और बी. तो जो भी मेटल्स होते हैं, जो कंडक्टर्स होते हैं, पहली क्लास में समझाया था, दे आर हैविंग अ लॉट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, उनके अंदर क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स. जब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स, बिल्कुल इनको ऐसे मानिए जैसे एक क्लास है और क्लास के अंदर अभी टीचर ने एंटर नहीं किया है, तो जितने बच्चे बैठे हुए हैं उस क्लास के अंदर, है ना, फिजिकल क्लास की बात कर रहा हूँ, ऑनलाइन क्लासेस की बात नहीं कर रहा हूँ. तो जितने बच्चे क्लासरूम में बैठे हों और टीचर, एक टीचर पढ़ा के जा चुका है, अभी दूसरा टीचर आया नहीं, तो सभी स्टूडेंट्स क्या बिल्कुल एकदम डिसिप्लिन में वैसे ही बैठे रहेंगे जैसे टीचर होता, या कोई अपने फ्रेंड के पास इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है? तो समझ में आ गई, ठीक वही काम ये इलेक्ट्रॉन्स करते हैं. ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि अभी इनके ऊपर किसी का फोर्स नहीं लग रहा, किसी का कोई इनको कुछ कहने सुनने वाला नहीं है, सो दे मूव here and there in the random directions. So ये random direction भी कुछ इस तरह की होती है कि इनका अगर net sum कर दें, तो हमें पता है, उसको बताने से पहले, सबसे पहले एक चीज समझ में आ गई कि जो free electrons होते हैं वो एक किसी wire के अंदर या किसी conductor के अंदर अपनी रैंडम मोशन मोमेंट में रहते हैं. ठीक, अब होगा क्या, जैसे ही इन कंडक्टर्स पर एक फोर्स अप्लाई किया जाए, तो वो फोर्स अप्लाई कैसे किया जाता है, इसी वायर को कनेक्ट कर दिया जाता है किसी बैटरी से. इसका मतलब, अब आप मान लो जैसे ही हम यहाँ बैटरी लगाएंगे, एक पेंसिल सेल लगाएंगे, उसका मतलब है एक कौन आ गया, टीचर आ गया क्लास के अंदर. तो बैटरी का सिंबल अभी बाद में भी पढ़ना है, ये होता है बैटरी का सिंबल. ठीक है, पेंसिल सेल, बैटरी, जो लॉन्ग लाइन होती है उसको पॉजिटिव टर्मिनल बोलते हैं, जो स्मॉल लाइन होती है उसको नेगेटिव टर्मिनल बोलते हैं. ठीक है, यानी कि जो आपने एक तरह से पेंसिल सेल है, ये आपका पेंसिल सेल, तो इसमें ये वाला जो पोर्शन रहता है वो जनरली पॉजिटिव कहलाता है और ये वाला नेगेटिव कहलाता है. तो इसको रिप्रेजेंट इस तरीके से कर सकते हैं. तो हमने क्या अप्लाई कर दी, बैटरी अप्लाई कर दी. जैसे ही बैटरी अप्लाई करेंगे, तो ये वाला जो हिस्सा चल रहा है, ये हम क्या लगाते हैं, जनरली वायर, और इसके यहाँ पर एक क्या लगा देते हैं, बहुत सी बार एक्सपेरिमेंट्स, जब आपने छोटे छोटे अगर एक्सपेरिमेंट्स कभी किए हो, तो आपने देखा होगा कि आप यहाँ पे कुछ बल्ब लगा देंगे, छोटा सा बल्ब लगा देंगे एलईडी टाइप का,
इस तरह से, तो इसको इधर कनेक्ट कर देंगे, इसको इधर कनेक्ट कर देंगे, वही चीज। तो ये पूरा जो ये वायर है, इसी वायर को इस जगह से इस जगह तक शो किया जा रहा है। तो ये पॉइंट ए है और बी है। अगर वायर के इस जगह से इस जगह तक कुछ भी कनेक्ट नहीं है तो हम बोलेंगे कि थ्रू आउट ये पॉइंट ए ही माना जाएगा। यानी कि जो पॉजिटिव लिखा हुआ है ये पॉइंट भी ए है, यानी कि ये और ये, इसके अंदर कोई अलग एक्स्ट्रा चीज नहीं है। तो आप ऐसा मत सोचना कि इसको बिल्कुल बैन कर दिया, कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप ऐसे लगाओ, ऐसे लगाओ, ऐसे लगाओ, केवल एक रिप्रेजेंटेशन अच्छी लगे उसके लिए ऐसा कर देते हैं। तो ये बी पॉइंट, ये पूरा। तो ए पॉइंट किससे कनेक्टेड हुआ हुआ है, कौन से टर्मिनल से कनेक्ट हुआ है, पॉजिटिव। तो हम बोलेंगे कि इसकी तरफ बैटरी ने अपना एक चार्ज प्रोवाइड कर दिया, क्योंकि बैटरी के अंदर क्या होते हैं, चार्जेस होते हैं। बैटरी के अंदर एनर्जी कहाँ से आती है, केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो पेंसिल सेल का काम ही है कि चार्ज प्रोवाइड कराना, तो चार्ज प्रोवाइड करवाएगा तो ए टर्मिनल पे आ गए पॉजिटिव और बी पे आ गए नेगेटिव। जैसे ही पॉजिटिव नेगेटिव आएंगे, इलेक्ट्रॉन्स, हमें पता है कि किस तरह के चार्ज पार्टिकल्स हैं, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, ठीक है। तो ये इन सभी इलेक्ट्रॉन्स पर एक फोर्स लगना स्टार्ट हो जाता है, और वो फोर्स कैसे लगेगा, पॉजिटिव वाले ये जो इधर जा रहा था ये जबरदस्ती इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और इसकी डायरेक्शन को करवा देगा इधर, ये भी इसकी डायरेक्शन को इधर करवा देगा। तो सभी पर एक स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि पॉजिटिव ऑलवेज अट्रैक्ट नेगेटिव, अपोजिट ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। तो पॉजिटिव नेगेटिव को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और इस वजह से ये जो सब रेंडम मोशन में मूव कर रहे थे सबकी डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में होगी। साथ ही साथ जो इधर नेगेटिव है वो इन नेगेटिव को क्या कर रहा होगा, रिपेल कर रहा होगा। तो ठीक वैसे जैसे एग्जाम चल रहा है, एक टीचर आगे भी खड़ा हुआ है और एक टीचर पीछे भी खड़ा हुआ है, आपने गर्दन पीछे घुमाई, एक पीछे चटक रहा आगे देख, तो सभी का फेस कंपलसरी किस डायरेक्शन में हो जाएगा, एक सिंगल डायरेक्शन में। तो अब जिनकी मोशन जो रेंडम हो रही थी वो चाह करके भी इधर उधर ना जा करके फोर्सफुली उनको किधर मूव करना पड़ेगा, एक सिंगल डायरेक्शन में। तो अब इन सभी में अगर मैं जनरली बोलूं तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन क्या हो गई, इस डायरेक्शन बी टू ए। तो बी टू ए किसकी डायरेक्शन आई है, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ या डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सर अगर बस बी की जगह ए लिख दें और ए की जगह बी लिख दें तो फिर मतलब वो सही, वो तो मतलब ए टू बी हो जाएगा ना फिर, फ्लो ऑफ चार्ज। मैंने ये बोला है डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताओ अभी किस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रॉन कहां से कहां मूव कर रहे हैं, बी टू ए, बी टू ए, ये मैंने लिख दी बी टू ए। अब हुआ क्या, जैसे मैंने कल प्रीवियस क्लास में आपको समझाया था कि जब भी पहले करंट पहले से डिस्कवर हो चुकी थी तो बोला गया था कि करंट एक्चुअल में दिखाने के लिए इतना मैग्निफिकेशन फॉर्म में है, वरना ये वायर इस तरह से, और इसको अगर हमने बैटरी से कनेक्ट कर रखा है तो करंट, करंट का सिंबल जो आई है वो हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करता है। यानी कि बीच में आपने अगर एक बल्ब लगा भी दिया तो हमेशा पॉजिटिव से करंट निकलती है और नेगेटिव की तरफ जाती है। इसका मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, फ्लो ऑफ करंट या इलेक्ट्रिक करंट, तो वो किधर से किधर बोली जाएगी, ये पॉइंट कौन सा है, ये पॉइंट कौन सा है, ये है ए और ये है बी। बोलो इसके अंदर अगर मैं पूछूं आपसे कि डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, बोलो क्या बोलोगे, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, आई, आई की डायरेक्शन क्या होगी बताइए, इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्योंकि कल प्रीवियस क्लास में मैंने क्या बोला था कि इलेक्ट्रॉन्स बाद में डिस्कवर हुए, करंट के बारे में पहले से ही बोल दिया गया था कि करंट ऑलवेज फ्लोस फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, यानी कि ये पॉजिटिव से निकलती है और नेगेटिव की तरफ जाती। लेकिन बाद में पता चला कि यार ये तो एक्चुअल में रेस्पॉन्सिबल कौन है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहे हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। तो अब या तो ये करना पड़ता पूरी कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन हम चेंज करते कि नहीं करंट नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ फ्लो होगी, तो उसमें क्या बोला गया, बाकी सब चीजों में से फर्क किसका आ रहा है, डायरेक्शन का। तो बोल दिया गया कि डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ, इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो उसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स की जिस भी डायरेक्शन में फ्लो है तो आई की डायरेक्शन उसकी अपोजिट मानी जाएगी।
तो आई की डायरेक्शन क्या हो गई, अगर इलेक्ट्रॉन्स बी टू ए फ्लोर है तो आई की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? एवरीवन बोलो जल्दी से अब, तो सबको बिल्कुल क्लियर हो गया है कि हम क्या बोल रहे हैं। यहाँ दो चीजें हमें इसमें इसमें जो मैं बताना चाहता था वो दो चीजें थी कि आपको डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, और चार्ज का काम कौन करता है हमेशा जिस टाइम इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होती है कंडक्टर्स या मेटलिक वायर्स के अंदर, हमेशा काम जो करते हैं वो करते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। सो चार्जेस तो होने को प्रोटॉन्स भी है, इलेक्ट्रॉन्स भी है, पॉजिटिव आयंस भी है, नेगेटिव आयंस भी है, बट All these are not flowing inside a wire. अभी right now मैं किसकी बात कर रहा हूँ, वायर की। मैंने बताया दिया आयंस कहाँ पे फ्लो होंगे, जहां पे कहीं पे सॉल्यूशन होगा जिसके अंदर कुछ पोर्शन ब्रेक होकर के पॉजिटिव आयन फॉर्म कर रहा होगा, कुछ पोर्शन नेगेटिव आयन फ्लो कर रहा होगा, फिर वहां पे हम बैटरी वैटरी कुछ ऐसा अरेंजमेंट लगाएंगे तो पॉजिटिव विल ऑलवेज मूव टुवर्ड्स द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, क्योंकि पॉजिटिव अट्रैक्ट होता है नेगेटिव से, और नेगेटिव आयंस विल बी अट्रैक्टिंग टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल, यानी कि नेगेटिव आयंस होंगे जैसे Cl- ये सब कुछ, यहाँ पे मान लो कि ये Cl- O- -2 Na- से अगर कोई ऐसे आयन हो तो वो इलेक्ट्रॉन्स वाली डायरेक्शन में फ्लो होंगे, और इसी के अंदर अगर Na+ Mg+2 Ca+2 बोल दूं तो वो किधर फ्लो होंगे, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो इसका मतलब डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स B2A, इस B2A को क्या भी बोल सकते हैं, फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल, और ठीक इसी तरह से आई की डायरेक्शन जो आई ए टू बी उसको क्या बोलेंगे, फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, कहां पर, आउटसाइड, यानी कि आउटसाइड सर्किट के अंदर। कोई कहते कि सर देखो इसके अंदर तो फिर इलेक्ट्रॉन्स, ये जो इलेक्ट्रिक करंट है ये तो नेगेटिव से पॉजिटिव हो रही है, हम आई की बात कहां कर रहे हैं साहब, वायर, और वो वायर कहां पे है, बैटरी के बाहर, बैटरी के अंदर की बात नहीं कर रहे हैं, बैटरी के बाहर हमेशा इलेक्ट्रिक करंट पॉजिटिव से बाहर निकलेगी, नेगेटिव से एंटर करेगी। गॉट इट, इज दैट कॉन्सेप्ट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, यस और नो? तो इस जगह से अब हम ये सीख चुके हैं कि डायरेक्शन ऑफ फ्लो करंट क्या होती है और किसके, व्हाट इज द मेन रीजन, व्हाट इज द कॉज ड्यू टू विच करंट इज फ्लोइंग इनसाइड द कंडक्टर। अच्छा, कोई कहेगा सर ये चार्ज फ्लो हुआ, आपने ये बोला था रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो यहां से बी से ए तक चार्ज को पहुंचने में जितना टाइम लगा और इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ कितने चार्ज हैं, तो आप खुद जैसे समझने के लिए, अगर सिंपल समझने की बात करूं तो अभी जो मैंने बना रखा है सिनेरियो उसी में काउंट करते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो हम बोलेंगे क्यू इज इक्वल टू एनी से हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 11 और e, q की वैल्यू आ गई 11e कूलम, जहां पे e की वैल्यू क्या होती है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। तो ये तो आ गया हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, चार्ज के, टोटल चार्ज इसके अंदर कितना है, इतना चार्ज है 11e जितना, यानी कि 11 × 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम चार्ज है। अब लेट सपोज बी से ए तक इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो होने में जो टाइमिंग लगा वो टाइमिंग हमको दे दिया गया है, मान लीजिए वो टाइमिंग दे दिया गया हमें कितना टाइमिंग मान ले 16 सेकंड मान लिया मैंने, कितना टाइमिंग मान लिया 16 सेकंड, तो बताइए कि इस वायर के थ्रू कितनी करंट जनरेट हुई होगी। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स बी से ए तक पहुंचने में 16 सेकंड ले रहे थे और उसके अंदर टोटल चार्ज अगर 11e था, तो हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे, करंट कैसे फाइंड करेंगे, q by t, q is equals to n e by t, n की वैल्यू है 11, तो 11e by t, सिंपली हमारे पास आ गया 11 × 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम और t की वैल्यू आ गई 16 सेकेंड, ठीक है, ये पॉइंट हटाया तो नीचे आ गया 10, 16 से 16 कैंसिल और ये 10 की पावर कुछ नहीं तो 1, ये 1 ऊपर जाएगा तो ये माइनस के अंदर काउंट होगा, ध्यान रखना, तो ये 11 × 10⁻¹⁹, 10 का ऊपर गया तो -1, बेस सेम तो पावर सेट −19 −1 माइनस का 20, तो 11 × 10⁻¹⁰ एम्पियर जितनी करंट इसमें इस प्रोसेस में जनरेट हुई है। ये सिर्फ एक एग्जांपल लेकर के मैंने शो किया है कि किस तरह से हम करंट को काउंट करते हैं। तो आई गेस ये प्रोसेस भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा, यस और नो?
तो अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर ये चार्ज फ्लो हो रहे हैं तो यहाँ पे भी तो चार्ज फ्लो हो रहे थे, और अगर ये चार्ज फ्लो हो रहे हैं, भाई इलेक्ट्रॉन अपने आप में एक चार्ज है, बिल्कुल ठीक है, तो ये चार्ज इधर फ्लो हो रहा है, ये उधर फ्लो हो रहा है, तो हर चार्ज अपने आप में कुछ ना कुछ करंट जनरेट करना चाहिए, तो फिर ये सभी कुछ ना कुछ करंट जनरेट कर रहे होंगे। लेकिन जब तक अगर हम ये कोई पेंसिल सेल बैटरी वगैरह ना लगाएं और इसको हम टच करें तो हमें झटका नहीं लगेगा, इसके अंदर झटके लगने के यानी कि जर्क लगने के, शॉक लगने के, जर्क तो नहीं, शॉक लगने के चांसेस होंगे, करंट फ्लो हो रही होगी तो उससे शॉक लग सकता है, लेकिन इसके अंदर बिल्कुल नहीं लगता। आप सोच लीजिए कि अगर ये आयरन पैन हो और उसको मैं टच करूं तो कुछ नहीं होगा, लेकिन इसके थ्रू ही मैं एक इलेक्ट्रिसिटी इसके थ्रू पास करवाऊंगा और इसको हाथ लगाऊंगा तो मुझे शॉक लगेगा, इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा, तो इसमें क्यों नहीं लग रहा, क्योंकि दोनों में ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो उसका रीजन क्या हुआ कि इसका रीजन हमने, मैंने प्रॉपर इसलिए डेफिनेशन लिखवाई थी, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन थ्रू अ कंडक्टर, किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर जो फ्लो ऑफ चार्ज हो रहा है टाइम के रेस्पेक्ट में किसी कंडक्टर के थ्रू, उसी को क्या बोल रहे हैं। फिर आगे चल के हम इसमें छोटा सा एक वर्ड और डाल देते हैं, थ्रू अ यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, उसके भी आपके लिए रिक्वायरमेंट नहीं है। तो अभी आप इतना सा मानिए कि डायरेक्शन शुड बी अ पर्टिकुलर, ऐसा नहीं कि एक इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है। उसका रीजन, ये इलेक्ट्रॉन्स आपस में क्या हो रहे होते हैं, रिपेल हो रहे होते हैं, क्योंकि है तो ये सभी चार्ज, और सभी के सभी इलेक्ट्रॉन्स कैसा चार्ज रखते हैं, नेगेटिव 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 सारे सारे हो गए, तो ये कैसे चार्ज कर रहा है, लाइक चार्ज, और लाइक चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल। तो इसके अंदर इनकी मोशन, रेंडम मोशन जो होती है वो अपने आप रिपल्शन के कारण इस तरह से जनरेट होती है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन इधर इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो इस पूरे सेट के अंदर कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन जरूर ऐसा मौजूद होगा जिसकी डायरेक्शन बिल्कुल इसके अपोजिट होगी। तो थोड़ी देर के लिए मानिए कि इस वाले इलेक्ट्रॉन ने इस डायरेक्शन के अंदर प्लस वन एम्पियर जनरेट करी, तो इस वाले इलेक्ट्रॉन ने जो इसके बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि 180 डिग्री की डायरेक्शन, अगर इस डायरेक्शन को पॉजिटिव बोलोगे तो ध्यान रखना है उसकी जस्ट अपोजिट डायरेक्शन को नेगेटिव बोलोगे, यहां अगर प्लस वन एम्पियर होगा तो यहाँ माइनस वन एम्पियर होगा, चाहे वो कैसी भी डायरेक्शन हो, इस डायरेक्शन को आप पॉजिटिव बोल रहे हो तो इस डायरेक्शन को नेगेटिव बोलोगे, किसी ने कहा नहीं सर मैं इसको नेगेटिव बोल रहा हूं तो आप इसको पॉजिटिव बोलोगे। ध्यान रखिए एग्जैक्ट अपोजिट डायरेक्शन जो भी होंगी वो एक दूसरे के अपोजिट कहलाएंगी, और अपोजिट को शो कैसे करते हैं, एक को पॉजिटिव बोल के एक को नेगेटिव बोल के। तो यहाँ पे वन इलेक्ट्रॉन को अगर थोड़ी देर के लिए मान लिया जाए कि ये प्लस वन एम्पियर जनरेट करता तो इसके अपोजिट वाला कोई चार्ज जो ऐसा जरूर मौजूद होगा 100% वो भी वन एम्पियर की जनरेट करता होता माइनस वन एम्पियर, और इन दोनों को जब टोटल करंट फाइंड करने के लिए इसके कारण इसको आई वन मान लो इसको आई टू मान लो, तो आई वन प्लस आई टू जब करूंगा तो प्लस वन एम्पियर माइनस वन एम्पियर कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि सभी के सभी इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे की डायरेक्शन के ऑलमोस्ट रेंडम मोशन में तो है, अपोजिट भी तो रेंडम मोशन में होते हुए भी कहीं ना कहीं इस तरह से अपोज कर रहे होंगे कि उनका जब नेट सम आई टोटल निकालोगे, आई टोटल कैसे निकालोगे, कितने इलेक्ट्रॉन से 11, तो आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री प्लस आई फोर प्लस आई फाइव, इन सबको जब निकालोगे तो कोई ना कोई सा पेयर एक दूसरे को कैंसिल करता जाएगा और नेट करंट कितनी आ जाएगी, जीरो। इस वजह से आपको झटका नहीं लग रहा है, इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लग रहा है। और मान लीजिए कोई कह दे कि नहीं फिर भी अगर ऑड में हो तो एक दो बच जाएंगे, तो वो इतने इतने माइन्यूट होते हैं कि उतने हल्के फुल्के झटके सहने की तो सब लोगों को आदत होती है, तो वो उससे कोई झटका होता ही नहीं है। इनफैक्ट मैं एक सिंपल मजाक कर रहा हूँ, कुछ होता ही नहीं है, है ना, हम में से ही फ्लो होते रहते हैं उतने तो इलेक्ट्रॉन। तो ये केवल व्यू था समझाने के लिए। अगर आप मेरे से पूछें कि वन ड्रॉप ऑफ वाटर तो उसके अंदर मॉलिक्यूल्स H2O के अराउंड 10^21 मॉलिक्यूल्स है, किसके अंदर, वन ड्रॉप ऑफ वाटर के अंदर, तो सोचो वन ड्रॉप इतनी है और उसमें मॉलिक्यूल, तो उन मॉलिक्यूल्स के अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, तो सोचो वन ड्रॉप में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते होंगे अगर इतने सारे मॉलिक्यूल्स है, तो सोचो इतना बड़ा कोई वायर होगा तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सो बिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ट्रिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मूविंग रैंडमली विल बी कैंसिलिंग आउट, और उसमें से एक दो बच जाएगा तो उसका तो कुछ इफेक्ट ही नहीं होना। और इसमें जब सारे के सारे एक ही डायरेक्शन में फ्लो होंगे तब जाकर के वो इफेक्ट ऑब्जर्व हो पाएगा। तो आई गेस अब ये चीज भी समझ में आ गई कि बैटरी नहीं लगाते तो इलेक्ट्रॉन्स होते हुए भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट क्यों नहीं होती, और ऐसा क्या हो जाता है कि बैटरी लगाने पे वही चीज जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ट्रिलियंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे,
जो उस टाइम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं कर रहे थे, लेकिन बैटरी लगाते इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर गए, जबकि ये कुछ अलग से कुछ काम नहीं कर रहा है। इसका काम लेकिन ये है कि इन सब की डायरेक्शन को एक तरफ कर दिया तो करंट जनरेट हो गई, और जब रेंडम होंगे तो ये एक दूसरे के रिपल्शन के कारण इधर उधर रेंडमली मूव करेंगे, इस तरह की नेट करंट को ये जीरो बना डालेंगे। ठीक वैसे जैसे बच्चे इधर उधर घूमते रहते हैं जब टीचर नहीं होता है तब। तो बस अब लास्ट के अंदर तो ये सारी चीजें समझ में आ गई। अब एक सिंपल सर्किट डायग्राम बनाना सीख लेते हैं। यही चीज जो मैंने बनाई थी यही एक सिंपल सर्किट डायग्राम शो करती है, लेकिन उसको पेन पेपर के थ्रू कैसे ड्रॉ करते हैं वो सीख लीजिए, उसके बाद सिंबल्स भी हम सीखेंगे। तो अभी पहले मैं थोड़ा डायरेक्ट बता देता हूँ, फिर सिंबल्स वापस नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। तो बैटरी के लिए जैसे सिंबल आपको पता चली गया कि इस तरह का कुछ होता है, ये बैटरी का सिंबल है। आप ये सिंगल बैटरी हो गई यानी कि सिंगल पेंसिल सेल हो गया, और ये बैटरी, बैटरी का मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ पेंसिल सेल्स। तो ये प्लस लॉन्ग वाली साइड और छोटे वाली साइड नेगेटिव, तो पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल। ये वाले जो चल रहे हैं ये कहला रहे हैं वायर, ये वाले वायर कहला गए, और यहाँ पर इस तरह का जो ये zigzag मैं बना रहा हूँ इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। क्या होता है आगे पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद हमने लगा दिया, मान लीजिए ये इस तरह का, इस शेप को बोलते हैं, ये किसका सर्किट सिंबल है, बल्ब का, इलेक्ट्रिक बल्ब। तो जब ये आपको पेपर पे बनाना है बल्ब, तो पेपर पे आपको बल्ब का सिंबल ये वाला लेना है, ठीक है। ऑन करवाना है तो आप चाहो तो ऐसा कर सकते हो जैसे सन के लिए हम करते हैं कि लाइट निकल रही है, ग्लो कर रहे हैं, तो इन जनरल आप ऐसे भी छोड़ सकते हो। ये हो गया बल्ब। इस रेजिस्टेंस, इसको बोलते हैं आर, आर का मतलब रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट क्या होता है आगे पढ़ेंगे। और यहां पर एक लगा देते हैं स्विच, तो ये जो ऑन ऑफ स्विच होता है हमारा बोर्ड पर इस तरह का, ये जिससे आप बटन प्रेस करते हैं आगे से लाइट ऑन करते हैं ऑफ करते हैं वो वाला, उसके स्विच के लिए हमने दो सिंबल होते हैं, एक या तो ये होता है और एक दूसरा ऐसा होता है। तो जब ये ऐसा है तो ये वाला स्विच कहला रहा है ऑफ, और अभी राइट नाउ ये स्विच भी, इसको भी स्विच ही बोलते हैं या इन जनरल स्विच का ही दूसरा नाम बोला जाता है एक्चुअल में की। जब हम इसमें प्रैक्टिकल लैब में देखेंगे तो वहां पे हमें एक कीज मिलती है जिसको बीच में फिट कर देते हैं तो वो कनेक्ट कर जाती है, इस वजह से वो ऑन हो जाती है। तो इसलिए ऐसे स्विच, इस स्विच को जिसको हम की बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, की। तो ये की जब यहाँ बीच में कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो इस की को रीड करेंगे ओपन की, और ओपन की का मतलब होता है ऑफ सिचुएशन। और अगर मैंने बीच में डॉट लगा दिया, ये वाला डॉट, इसका मतलब है मैंने बीच में एक, ये दो खाली जगह थे उनके बीच में एक की इंसर्ट कर दी, जिससे इसका और इसका कनेक्शन आपस में हो गया। पहले ये इससे कनेक्ट नहीं था, अब बीच में मैंने की इंसर्ट कर दी जिससे ये हिस्सा इसके थ्रू होता होता जॉइंट हो गया बीच में, तो इसलिए इसको बोलते हैं क्लोज्ड की। और क्लोज्ड की का मतलब होता है स्विच ऑन कंडीशन, स्विच ऑन, ठीक है। तो ये हो गया आपका, अभी पहले ओपन था, अब इसको क्या बोलेंगे, ऑन, ठीक है, क्लोज्ड की। और करंट ऑलवेज स्टार्ट और ऑलवेज लीव फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर आएगी और मूव होते 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 नेगेटिव टर्मिनल से एंटर करेगी, और करंट लेकिन निकलेगी तरह भी, तो पहले तो इसको बता देते सिंबल इसका आई। ये करंट केवल और केवल तभी शो करनी है जब स्विच क्लोज हो, ऑन हो। अगर ऑफ हुआ तो कभी भी बैटरी में से करंट बाहर ही नहीं आएगी। इसका मतलब ये हुआ वायर बीच में से यहां से कहीं ब्रेक हो जाए, इसका मतलब पूरी करंट गायब, करंट बाहर ही नहीं निकलेगी। अगर इसको कहीं पे भी बीच में छोटा सा गड्ढा नजर आ गया यानी कि कहीं पे भी सर्किट ब्रेक हो जाए तो हम कहेंगे कि करंट कभी भी बैटरी से बाहर निकलेगी नहीं, पूरा क्लोज्ड सर्किट। तो इस पूरे सर्किट को जिसको हमने हर तरफ से पैक कर रखा है ताकि करंट पूरी निकल सके और वापस आ सके, तो ऐसे सर्किट को बोलते हैं क्लोज सर्किट। इनमें से कहीं से कुछ भी ब्रेक कर दो तो वो कहलाएगा ओपन सर्किट। ब्रेक नहीं कर रहे, इवन आपने स्विच को ऑफ कर दिया, तो देखो इसका मतलब भी यही है कि यहां से आगे करंट नहीं बढ़ सकती, तो अभी ये पूरा सर्किट कहलाएगा ओपन सर्किट, ऑफ सर्किट। तो उस टाइम पे करंट निकलेगी ही नहीं, उसको पहले से पता चल जाता है कि बहुत आगे जाकर के गड्ढा है, मैं गड्ढे में गिर जाऊंगी, तो निकलती ही नहीं अपने घर से यानी कि सेल से। सो इसको बोलते हैं एक सिंपल सर्किट डायग्राम जिसमें ये रेजिस्टेंस कहलाता है, इलेक्ट्रिक बल्ब, ये बाकी के कुछ टर्मिनल्स, बाकी का कल नेक्स्ट क्लास के अंदर हम स्टडी करेंगे। अभी समझ में आ गया क्या?